लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि बताओ नरेंद्र मोदी में और के चंद्रशेखर राव में क्या फर्क है, दोनों भी तो एक मजहब को मानने वाले हैं। मैंने कहा कि के चंद्रशेखर राव में और वजीर आजम नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। पूछने वाले जर्नलिस्ट ने ताजुब करके पूछा, बताओ क्या फर्क है। मैंने कहा दोनों मंदिरों को जाते हैं, दोनों भी अपने मजहब पर चलते और अपने अकीदे पर रहते, मगर के चंद्रशेखर राव अपने मजहब को हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं करता जो नरेंद्र मोदी अपने मजहबी उसूल को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं, इस मुल्क पर मुसल्लत कर रहे हैं। ये फर्क है। हम हिंदुइज्म के ना कभी खिलाफ देना रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम खिलाफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी की मुखालिफत करते रहेंगे, इसलिए कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है। इंडियन नेशनलिज्म क्या है? इंडियन नेशनलिज्म में सब आते हैं, तमाम मजाहिब के लोग मानने वाले आते हैं। ये फर्क है। आज मुल्क को बचाना है हम लोगों को, भारत की जनता को, भारत के गरीबों को, भारत के नौजवानों को। नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, इस मुल्क को बचाना है और जमहूरी तरीके से हमको एहतजाज करके इस मुल्क को बचाना है। जमहूरी तरीके से हमको इस मुल्क को बचाना है। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत को बचाने की है, ये लड़ाई भारत को फासिस्ट ताकतों से बचाने की लड़ाई है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस लड़ाई में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने आकर एक दीवाना आपसे भीख मांग रहा है कि आप तमाम लोग हम तमाम का साथ दो इस लड़ाई में। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपका जमा होना यकीनन हमारे हौसलों को मजबूत करता है, बुलंद करता है। यहाँ पर हजारों की तादाद में इंसानों का जो समंदर जमा है, जो मजहब को नहीं देखकर मुल्क की मोहब्बत में जमा हुए, मैं आपको सलाम करता हूँ। तुम्हारा इस जगह पर जमा होना यकीनन आरएसएस बीजेपी की नींदों को हराम करके रख देगा। वो परेशान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रियासत पुरअमन है और पुरअमन रहेगी, और हम इसके अमन को तोड़ने की कोशिश करने वालों का साथ नहीं दे सकते, चाहे वो किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो।